hello everyone welcome to the layman way where we are completing fundamentals of physical geography and this lecture is a part of my two months geography course program to help you one step closer to your goal and guys this program is all free so don't forget to smash that like button subscribe and also turn on the notifications all right if you want to view our full course you can always click on the i button in the top right corner and view our full playlist and guys if you are following this program do not forget to leave a comment down below

तो इसका हमने एग्जाम्पल देखा था कि ये सो सोगने फोर्ट जो है नॉर्वे का है ना ये एक टाइप ऑफ यॉर्ड है ठीक है दूसरा ये कि एक चीज़ ये नोट करने वाली भी है ये शायद मैं बताना भूल गया था कि ये जो आ, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द सी ठीक है तो ये राइट right एंगल पे है ठीक है तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो आपका माउंटेन जो है वो ऐसा होगा ठीक है और यहाँ से ग्लेशियर आया होगा और ये अपना सी है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये ठीक है तो दिस इट रन एट राइट एंगल्स ठीक है फिर दूसरा आया था रिया रिया के बारे में हमने ये बात किया था कि भाई रिया कैसे बना था कि इनिशियली क्या सी लेवल कम था है ना और यहाँ पे जो माउंटेंस थे जो आ, इसके पै जो माउंटेंस ऐसे करके यू you नो know, इसके ट्रांसफर्स इस डायरेक्शन के राइट right एंगल पे थे ये सारे ऐसे थे ये सारे माउंटेंस ऐसे थे ठीक है तो इनकी जो वैलीज थी जो रिवर्स ने वैलीज बनाई होंगी वो अब समर्ज हो गई हैं ठीक है थीके? तो वैलीज जो थी जो माउंटेंस ने बनाई थी जो ऐसे थे ट्रांसफर्स डायरेक्शन में सी ऐसे है और ये माउंटेंस का जो ऐसे रन कर रहे हैं इसके ट्रांसफर्स डायरेक्शन में तो ये जो वैलीज थी वो अब समर्ज हो गई हैं तो ये जो सबमर्ज वाला पार्ट है उसको हमने बोल दिया था रिया कोस्ट दिस इज़ कॉल्ड रिया कोस्ट ठीक है और अब वैलीज होंगी तो कंटिन्यूस तो होंगी नहीं एक वैली होगी है ना फिर दूसरी वैली होगी ठीक है तो ये जो वैली सेपरेटेड है ना दे वर सेपरेटेड बाय अ रिज है ना ये रिज से एक सेपरेटेड है दोनों रिज क्या होता है एक उठा हुआ पार्ट होता है जो दोनों को सेपरेट करता है ठीक है तो अभी जब पानी आया है ठीक है तो पानी आपका इस पानी ने आपको इसको डिसॉल्व कर दिया है इसको डिसॉल्व कर दिया बट ये वाला जो पार्ट है ये पूरा उठा हुआ है अभी भी ठीक है तो इसको हमने बोला था ये वाला पार्ट जो है इसको हमने बोला था रिज ठीक है अब हम ये देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है रिया और जो फॉर्ड है उसमें डिफरेंस क्या है तो पहला डिफरेंस तो ये है कि भाई जो रिया है ये ग्लेशियर से नहीं बना है ये कैसे बना है ये रिवर्स की वैलीज़ हैं ये जो वैलीज थी जो समर्ज हो गई हैं ये रिवर की वैलीज़ है है ना तो वो समरछ होकर है जबकि फीवर जो था वो तो ग्लेशियल का ट्रफ़ है ग्लेशियर का ट्रफ़ है है ना वैसे बना है और आप देखोगे कि ग्लेशियर का जो ट्रफ़ होता है वो यू शेप का होता है और जो रिवर का होगा वो कैसा होगा वो वी शेप का होगा तो ये भी एक डिफरेंस है कि भाई ये यू शेप्ड है ये वी शेप्ड है सेकेंड ये ग्लेशियर से बना है ऑर्ड और ये किससे बना है ये रिवर्स की वैली से बना था है ना थर्ड क्या है कि अब ग्लेशियर जब मूव करता था ना तो वो जो है वो उसका जो डेप्थ था वो कॉन्स्टेंट है मतलब इतना डेप्थ है तो इतना ही डेप्थ है समझ रहे हो ये कोई बढ़ नहीं रहा है डेप्थ समझ में आ रहा है ना ये सेक्शन जब मैंने काटा तो ये डेप्थ कॉन्स्टेंट है बट रिया में रिया में ये कॉन्सटेंट नहीं है क्योंकि रिया तो कैसे बना है रिया तो वैली से बना है वैली के सबमर्जन से बना है और वैली जो है वो जैसे जैसे माउंटेन नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे क्या क्या होगा वैसे वैसे इसका डेप्थ और बढ़ता चला जाएगा है ना तो डेप्थ भी इसका बढ़ता है एज वी मूव ऑन फॉरवर्ड इट्स डेप्थ ऑल्सो इनक्रीजेज ठीक है और रिया इज़ नॉट ग्लेशिएटेड बस ये दोनों डिफरेंस है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तीसरा कोस्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं डलमाशन कोस्ट अब डलमाशियन कोस्ट क्या होता है देखो हमने रिया में क्या बोला था कि रिया जो है रिया का जो यू नो माउंटेन है वो ट्रांसफर्स रन करता है इसके मतलब ऐसे रन कर रहा है अगर ये सी है तो ऐसे परपेंडिकुलर रन कर रहा है ना? है ना परपेंडिकुलर है कोस्ट के मतलब ऐसे रन कर रहा है बट जो डलमाशियन होता है उसमें क्या होता है ये पैरल रन करता है इस टाइप से होगा डलमाशियन में जो माउंटेन का स्ट्रक्चर है जो माउंटेन के चेंज हैं वो इस टाइप से रन करेंगे दैट वुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन पैरल टू द डायरेक्शन ऑफ सी ठीक है C, इस टाइप से रन करेंगे तो भैया लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट है पहली बात तो ठीक है वो क्या थे रिया रिया वॉज ट्रांसफर्स में ऐसे था चेन ऐसे था चेन ऐसे बना हुआ था यहाँ पे जो है ये इट इज लॉन्गटूडनल कोस्ट फिर माउंटेन्स रन पैलर टू द कोस्ट ठीक है ये कोस्ट है इसके पैरल रन कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में है ठीक है नेम कम्स फ्रॉम द दूवर्स लावे में कोस्ट है जिसका नाम है डलमाशियन तो वहीं से ये आया है ठीक है समर्जन ऑफ कोस्ट प्रोड्यूस लॉन्ग नैरो इनलेट्स विद अ चेन ऑफ वायलेंट्स पैलर टू द कोस्ट ठीक है इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है अभी कैसा बनता है ये भी सेम वैली के संवर्जन से ही बने हैं बस इसमें डिफरेंस ये है कि माउंटेन्स जो हैं दैट दे आर यू नो दे आर पैरल टू द कोस्ट कोस्ट ठीक है that, are, you know, coast, coast, तो ये देखो अब ये रिज है हम ये जो उठा हुआ पार्ट है वो ये है ठीक है वहाँ पे जो उठा हुआ पार्ट था वो ऐसे था है ना यहाँ पे ये ऐसे है ठीक है और वहाँ पे जो हमने वहाँ पे जो वो बन रहा था ना क्या बोलते हैं वहाँ पे जो हमारा वैली बन रहा था वो कैसा था वैली जो हमारा वैली बन रहा था वो कैसा था रिया कोस्ट में देखो पीछे जाके कैसा था रिया कोस्ट में ऐसा था ये था वैली ये था रिज और ये है सी तो ये कोस्ट के परपेंडिकुलर हुआ ना ये कोस्ट है तो ये परपेंडिकुलर हुआ रिज मतलब ये जो डिप्रेशन है तो ये जा रहा है वो परपेंडिकुलर है अब सेम चीज़ अगर पैरल हो जाए ना मतलब इसको उठा के इसको उठा के आप इसके पैरल कर दो मतलब यही चीज़ अगर मैं सेम ऐसे बना दूँ ऐसे 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 बना दूँ इसके पैरेलल बना दूँ तो वो जो कोस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे टलमाशिन कोस्ट सेम चीज़ करी है मैंने कि ये पहले जो ऐसे था उसको अब मैंने ऐसे कर दिया है है ना वो ऐसे इसलिए बना है क्योंकि जो माउंटेन्स हैं वो ऐसे ऐसे हैं ठीक है माउंटेन ऐसे ऐसे हैं तो इनकी जो वैलीज हैं वो पैरेलल हुई इस कोस्ट के है ना तो, तो जो इससे जो कोस्ट बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डलमाशियन कोस्ट तो फॉर्मर कोर्स ऑफ रिवर्स वैलीज हैव बीन है ठीक है तो इस टाइप का कोस्ट रहता है ये रिज है ये कोस्ट है सिमिलर स्ट्रक्चर है बस उसको हम मैंने नाइन्टी डिग्री टिल्ट कर दिया है मतलब सेम चीज़ आप देखो यही सेम चीज़ है यही सेम चीज़ है इसको अगर मैं ऐसे नाइन्टी डिग्री टिल्ट कर दूँ पूरे के पूरे लैंडस्केप को ठीक है तो ये जो बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम डलमाशियन कोस्ट बोल देंगे ठीक है तो हो जाएगा धर्माष्ट्री गोल्स इसके एग्जाम्पल जैसे सी में मिलेगा आपको इस टाइप का होता है देखो इस टाइप का ये पानी का पानी में ये चला गया है ये रेज है हमारा ठीक है ये उठा हुआ पार्ट रेज है ये पानी है फिर यहाँ पे पानी आ गया फिर ये उठा हुआ पार्ट है समझ रहे हो तो ना ऐसे पैलल पैलल है ये डूब गया ये उठा हुआ पार्ट फिर ये डूब गया ये उठा हुआ पार्ट तो इस टाइप का है इससे पूरा समझ में आ जाएगा देखो ये पानी का है ये उठा हुआ पार्ट है ये फिर उठा हुआ पार्ट है फिर यहाँ पानी है फिर ये उठा हुआ पार्ट है ठीक है तो इस टाइप से जो कोर्स बनता है उसको हम बोलते हैं डलमाशन कोस्ट ठीक है फिर एक होता है क्या एस्ट्यूराइन कोस्ट एस्च्यूराइन कोस्ट क्या होता है कि जब माउथ ऑफ़ द रिवर पे सी लेवल आ जाए समझ रहे हो माउथ ऑफ़ द रिवर्स आर ड्राउन सो दैट द फनल शेप एस आर फॉन इस टाइप का आ, बनता है अब देखो इनिशियली रिवर यहाँ पर ड्रेन कर रही होगी ठीक है बट क्या हुआ सी का लेवल राइज कर गया तो अब यहीं पे ही जो है यहीं पे ही जो सी है वो मिल जा रहा है समझ रहे हो तो ये जो कोस्ट बन रहा है ना एस्ट्यूरी क्या होता है एसच्यूरी यही होता है ना कि जब रिवर जो है वो ओशन को मिलती है जहाँ पे माउथ ऑफ़ द रिवर को ही तो हम एस्ट्यूरी बोलते हैं है ना तो वहाँ पे जो कोस्ट बनता है सेडिमेंट की वजह से उसको हम क्या है? उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एस्टोराइन कोस्ट ठीक है तो ये हो गए सारे कोस्ट हमारे है ना फिर हम देखते हैं कि कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस क्या होता है ठीक है तो कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस कैसे बनता है कि जो ये अभी अभी जो हमने डिस्कस किया वो कैसे बन रहे थे कि सी का लेवल राइज़ हो रहा था है ना रिया को इसमें क्या होता है सी का लेवल राइज़ हो गया तो वैली जो है वो ड्राउन हो गया टर्माशन में भी सेम ड्राउन हुआ और ग्लेशियर में भी क्या हुआ कि सी का लेवल राइज़ हो गया तो जो ग्लेशियर ने वैली बनाई थी यूशेड वो भी ड्राउन हो गई तो ये क्या है ये सब सबमर्जेंस है कि लैंड जो है वो सबमर्ज हो गया अब एमरजेंस कैसे होगा एमरजेंस ऐसे होगा कि भाई ये जो तो पानी का लेवल है वो पहले यहाँ हुआ करता था अब ये नीचे आ गया है ना यही हुआ सबमर्ज एमरजेंस पहले हमने ये पढ़ा था ना पहले जब इनिशियली वेव वेवरोड करती है तो पहले वेव कट प्लेटफॉर्म बनाती है फिर एक क्लिफ़ बनाती है हमने देखा था ना ये देखो ये था वेव कट प्लेटफॉर्म ये था क्लिफ़ तो पानी का लेवल पहले इधर हुआ करता होगा इधर इतना बड़ा होगा पानी का लेवल इधर हुआ करता होगा बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि पहले इधर नीचे आया ठीक है फिर और नीचे आ गया तो देख रहे हो क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस बनता चला जा रहा है पहले वेव कट प्लेटफॉर्म ये था फिर वेबकर्ट प्लेटफॉर्म ये हुआ फिर वेव वेबकर्ट प्लेटफॉर्म ये हो गया तो ये जो लैंडफॉर्म बना ये कैसे बना ये एमरजेंस से बना ना कि भाई जो नीचे वाला लैंड था जो पहले डूबा हुआ था वो अब ऊपर आ गया है ना वो क्या आ गया वो अब ऊपर आ गया तो जो हमारे क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स हैं वो ऐसे ही बने वेस्टर्न घाट्स स्टीप क्यों हैं वो स्टीप इसलिए हैं क्योंकि वो एमरजेंस से बने ठीक है तभी आपको वहाँ पर स्टीप दिखेगा ठीक है तो तो अब ऐसा सा रहता है कि इस टाइप से वेव कट प्लेटफॉर्म रहता, रहता है फ्री ऐसे रहता है फ्री ऐसे रहता है फ्री ऐसे रहता है तो अगर पूरा देखोगे ना तो पूरा ऐसे थोड़ा जेंटल स्लोपिंग दिखेगा पूरा ऊपर से नीचे तक ठीक है लो लाइन तो इस टाइप से बनता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अपनी क्वेरीज आप हमको क्वेरीज एट द रेट द लेमैन वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पर हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे और पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए है ना अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू बाय टेक केयर